एसडीएम का कहानी नहीं पता, कभी कभी ऐसा गलती करते हैं लोग ना कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। एक ही चीज समझ में आता है, दोनों कंडीशन में देखोगे तो लड़का पीछे रह गया। लड़की लोग, आप लोग सुन के आपको कैसा लगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आएगा पता है? जब वो लड़कियां का एसडीएम का कहानी नहीं पता है बाबू बेचाराओं का। अब वो बेचारा पे क्या बीत रहा होगा उसको? चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। टेंशन में उसको मन लगेगा? हाँ, कभी मन नहीं लगा। कभी कभी ऐसा गलती करते हैं लोग ना कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। अब कौन पढ़ाएगा? ये कह रहा है कि सर पढ़ाना तो छोड़िए, जो भेजा था वो वापस बुला रहा है। अब ये होता है, हम लोग के साथ भी एक लड़का पढ़ता था ना, उसके साथ भी इसी तरह से हुआ था, एग्जैक्ट उसी तरह से। मतलब लेकिन उस इसको लगा कि ना, मतलब कभी कभी देखिएगा ना, कुछ लोग शादी ब्याह में रेडी नहीं होते, तो इस सबको ना मैट्रिके से फिक्स था कि हम लोग शादी साथ ही कर लेंगे लोग। और भी थोड़ा सा भी ठीक ठाक पर्सनालिटी का, हम तो सीबीएसई बोर्ड के थे, हमको छोड़ के सब वहाँ गोरे था सब। तो वो सब ठीक ठाक था, तो काफ़ी दिक्कत नहीं आती है शादी ब्याह में। तो सोचा सब कि अब वो सोचा कि तुम यूपीएससी निकाल लो तो घर वाले इजीली मान जाएंगे। भेजा और बहुत बार, मतलब हम लोगों ने भी, अब जब दोस्ते था तो हम लोग सोचे कि भाई हो जाएगा इसका ब्याह शादी, ठीक। यूपीएससी वगैरह सब हुआ, सिलेक्शन वगैरह जब हो गया तो पता चला कि उधरे को देख लिया। बेचारा आके रोता था, आके रोता था यहाँ पे। हम उसको ऐसे ऊपर मन से चुप कराते थे, कहते बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमको लगता कि चल भैया ये भी हमारे ही ग्रुप में आया। आ जा। हम तीन चार टो को सोचते हैं ना कि हमें साथ का पढ़ा हुआ सब कभी ब्याह ना करे, सब जीवन ऐसे हो जाए। बहुत टेंशन में रहता था बेचारा, लेकिन एकदम इस सब चक्कर में ज्यादा सब ऐसा नहीं होता है, कोई चीज एक जैसे नहीं। आप अपने पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, टेंशन में आ गया सब। एक ही चीज समझ में आता है, दोनों कंडीशन में देखोगे तो लड़का पीछे रह गया था। हमेशा याद रखना, ट्रेन के इंजन को बॉगी से तगड़ा होना पड़ता है। नहीं समझे? खुद आगे रहो, दोनों रास्ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं इस तरह से, बाकी समाज में अन्य लोगों पे असर पड़ता है। लड़की लोग, आप लोग सुन के आपको कैसा लगा? हाँ, अच्छा, आप लोग माई दी में कहिएगा लो ब्याह शादी के बाद हम भी पढ़ना चाहते हो, डरा जाएगा। हाँ, जितना शादीशुदा है सब सब लोग पहले फोन ऑन करके समझा दो कि भाई ऐसा नहीं है, सब एक जैसा नहीं होता। मैं तो बेचारा बोल नहीं रहा होगा लेकिन डर गया होगा बेचारा। कुछ देखिए, कौन डरेगा? जो जिसको आपसे लगाव है वही। आपको कौन इंसान आपसे ज्यादा झगड़ा करेगा, या आपको खोने की तकलीफ किसे होगी? जो आपको ज्यादा लगाव है उसको, वरना किसको बता रहा तो नहीं, दुनिया में कौन कहां गया, किसे क्या मतलब है। लेकिन बेचारा बहुत टेंशन में हुआ आदमी। हाँ, ये लोग को समझ में अभी नहीं आता है, समझना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आएगा पता है? जब वो लड़कियां के बाल बच्चे होंगे और जब वो बड़े होंगे, वो तो पहले हस्बैंड से है ना, जो दूसर का भी आया कि ये इससे जब होंगे तो कहेंगे, समझना। फिर उसको लाइसेंस मिल जाएगा इस बात का, कल को मैट्रिके में लेके घूमेगा किसी के साथ, आप उसको थोड़ी मना कर सकते हैं। ज्यादा बोलिएगा इक्का किसके साथ घूम रहे हो, तो अपना भुला गई। नहीं समझे? बहुत सारी चीजें। खैर, इस सब चक्कर में मत पड़िए। लड़का लोग आपको हमेशा बोलते हैं, बेरोजगार लड़के की जिंदगी बहुत बुरी होती है, जमीन जिस पे चलते हैं वो जमीनवा उठ के गाली देने लगेगा, आसमान थूकेगा ऊपर से, भागने का जगह नहीं मिलेगा, खुद के माँ बाप चार को बात सुनाने लगेंगे आप लोग को। बड़ी दिक्कत है जीवन में, लेकिन सक्सेस हो जाइए, सब दुख दूर हो जाएगा।